स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल lin.kpharma। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्जिट एग्जाम के लिए होगी और जीपैट प्रिपरेशन के लिए भी होगी। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2024 के एग्जिट एग्जाम को। ओके, तो आज का सिलेबस है वो फार्मास्यूटिक्स से लिया गया है। ओके, हिस्ट्री ऑफ द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन इंडस्ट्री फार्मेसी प्रैक्टिस, तो इन सभी को आज कवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ MCQ। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये पार्ट वन स्टार्ट हो रहा है आज से। ओके, तो हम लोग हंसते खेलते ऐसे ही एग्जिट एग्जाम को क्लियर कर लेंगे अगर आप लोग साथ में रहेंगे। ओके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI वाज एस्टैब्लिश्ड इन, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कब एस्टैब्लिश हुई? ऑप्शंस आर 1948, 1955, 1965, 1970। तो द राइट आंसर इज 1948। ओके, सो 1948 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, तो ये 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी। ओके, और जो डेट है वो डेट है 4 मार्च 1948। ओके, 4 मार्च 1948 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो KCKE राजा थे। ओके, जिन्हें गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था 17 जून 1948 को। इस टाइम पे जो है वो है मोंटू कुमार पटेल। ओके, जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, इससे पहले जो थे वो बी सुरेश थे। ओके, When was the first pharmacy college established in India? Okay, so the options are 1932, 1947, 1952 and 1965. So, right answer is 1932. Okay, but यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कैसे कि जो first pharmacy college है एशिया में वो इंडिया में ही establish हुआ था, गोवा में। Okay, in 1842 में establish किसने किया था? ये पुर्तगीज लोगों ने किया था। बट इन 1932 प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिन्हें ML श्रॉफ के नाम से भी जाने जाता है और जिनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया बोला जाता है, उन्होंने वी फार्मा establish किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1932 में। ओके ओके, सो वी फार्मा जब स्टार्ट हुआ था उसका ईयर था 1937। ओके, इससे पहले ये BSc के नाम से यहाँ पे चल रहा था। तो दो क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो इसमें 1932 आप लोग लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ से ही स्टार्ट हुआ है। ओके, द फर्स्ट फार्मडी प्रोग्राम इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। तो फार्मडी प्रोग्राम आपको पता ही होगा स्टार्ट हुआ है, तो ये कब से हुआ है? 2000 में, 1996 में, 2008 में और 2012 में। सो राइट आंसर इज 2008। ओके, सो राइट आंसर इज 2008। एस्टैब्लिश कैसे हुआ है? ये एस्टैब्लिश हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और PCI के संयोग से 2008 में। ओके, 2008 में एस्टैब्लिश हुआ और ये 6 साल का कोर्स है, लगभग PG के बराबर इसकी मानता है, यानी कि एम फार्मा और फार्मडी बराबर माना जाता है। The first Indian pharmaceutical company to cross the $1 billion marks in revenue was, $1 billion का मार्क क्रॉस करने वाली इंडिया की पहली कंपनी कौन सी थी? The first, the right answer is Sun Pharma. Okay, right answer is Sun Pharma. Sun Pharma ने सबसे पहले 1 billion mark का क्रॉस किया था. Okay, now in India, now in the world, Pfizer is the number one company and in India, Sun Pharma is the number one company. The next question, the good manufacturing practice in India
इन इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज रेगुलेटेड बाय, तो जीएमपी को रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? आंसर, दी ऑप्शंस आर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे FSSAI भी बोलते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, तो इसको यहाँ पे टिक कर लेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फार्मा विजन 2020 इनिशिएटिव एम्स टू अचीव। फार्मा विजन 2020 का एम क्या है? ओके, द ऑप्शंस आर ग्लोबल लीडरशिप इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सेल्फ रिलायंस इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड इरेडिकेशन ऑफ काउंटरफियर ड्रग्स। सो द राइट आंसर इज सेल्फ रिलायंस इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो फार्मा विजन का मतलब यही है कि अपने आप में बना सेल्फ रिलायंस करना। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द शेड्यूल H1 कैटेगरी इन ड्रग रेगुलेशंस इन इंडिया पर्टेन्स टू। शेड्यूल H1 कैटेगरी किसके लिए बिलोंग करती है? द ऑप्शंस आर नारकोटिक ड्रग्स, देन एंटीबायोटिक ड्रग्स, देन ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड द ऑप्शन डी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। द राइट आंसर इज एंटीबायोटिक्स। ओके, सो शेड्यूल H1 जो है वो एंटीबायोटिक्स के लिए बनाया गया है। क्या होता है इसमें? इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ टू कंट्रोल दी अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। शेड्यूल 1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल द अनरिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, एंड इसके लिए क्या होता है कि एक रेड बॉक्स, जैसे ये रेड बॉक्स बना है, इसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको रेड बॉर्डर के अंदर कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप इसको दे नहीं सकते। द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1935, 1948, 1956 and 1961. ओके, सो द राइट आंसर इज 1935। अब यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी ले लें आप, दी प्रोफेसर ML श्रॉफ, ओके, जिन्होंने BHU में स्टार्ट किया था बी फार्मा, उन्होंने ही एक एसोसिएशन बनाई थी जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसका नाम था UPPA। ओके, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही ये इस्टेब्लिश की गई थी 1935 में। ओके, बट इसका नाम बाद में बदल के क्या कर दिया गया? इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन IPA कर दिया गया। ओके, 1935। सो अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पे 1935 की जगह 1939 मिलता है तब भी आप इसको क्लिक करेंगे। ओके, और दोनों नहीं मिलेंगे मेरे हिसाब से, अगर दोनों मिलते हैं तो फिर आप इसी को करेंगे 1939 को, वो ज़्यादा सही माना जाएगा। ओके, सो ML श्रॉफ इज द फाउंडर ऑफ IPA, इन्होंने ही स्टार्ट किया, तो ये फाउंडर चेयरमैन भी कह सकते हो आप इसको। Okay, so the question number 10 is the first woman pharmacist in India to receive the Lifetime Achievement Award by the Indian Pharmaceutical Congress is, the options are Kiran Majumdar Shah, the option B is D.V. Anantha Narayana, C is R.S. Gopalan and P.D. Sethi. Okay, so the right answer is किरण मजूमदार शाह। राइट आंसर इज किरण मजूमदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NPPA, रेगुलेट्स द प्राइसिंग ऑफ ब्रांडेड मेडिसिन, ओवर द काउंटर ड्रग्स, जेनेरिक मेडिसिन एंड वैक्सीन। सो द राइट आंसर इज जेनेरिक मेडिसिन। ओके, सो जेनेरिक मेडिसिन की ये प्राइसिंग को कंट्रोल करता है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टू फिक्स और रिवाइज द प्राइस ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस, एंड आल्सो, और क्या होता है? टू इन्फोर्स द प्राइसिंग एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन कंट्री अंडर द ड्रग्स प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर 1995। ओके, सो तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर कब पास हुआ, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 1995।
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन NLEM इन इंडिया इज अपडेटेड बाई, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन कौन अपडेट करता है? ओके, द ऑप्शंस आर इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ओके, सो इसके थोड़ा सा जानकारी और ले लें इसमें कि जो जो ये नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल फॉर्मुलेशन का जो फिफ्थ एडिशन आया है वो कब आया है, वो सितंबर 2022 में आया है। इससे पहले जो एडिशन आए थे वो 2015 में आया था ये फोर्थ एडिशन, एंड इससे पहले तीन और एडिशन आ चुके थे। सबसे पहला जो आया था 1996 में, 2003 में एंड 2011 में। ओके, तो इस तरह से पांच एडिशन आ चुके हैं, ये फिफ्थ एडिशन आया है सितंबर 2022 में। ओके, अगर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग कर सकते हैं, ये फिफ्थ एडिशन है, इससे पहले 2015 में फोर्थ आया है, फर्स्ट एडिशन आया है वो 1996 में आया है, और सेकंड जो आया है वो 2003 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई। ओके, सो न्यू ड्रग का अप्रूवल होता है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें, उसके बाद जो अप्रूवल लिया जाता है नई ड्रग का, नई ड्रग जब डिस्कवर की जाती है उसको एनडीए भी बोलते हैं शॉर्ट में, उसको कौन रेगुलेट करता है? ओके, सो इसके ऑप्शंस हैं इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, सो द राइट आंसर इज CDSCO, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CDSCO। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखें, नई दिल्ली में इसका मेन सेंटर है, सारे क्लिनिकल ट्रायल्स यही अप्रूव करता है। द रेड रिबन एक्सप्रेस कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, रेड रिबन एक्सप्रेस किससे जुड़ा हुआ है? ओके, सो द ऑप्शंस आर HIV एड्स अवेयरनेस से, एंटी काउंटरफिएटिंग मेजर्स से, ड्रग रिहैबिलिटेशन से, या इम्यूनाइजेशन से। सो द राइट आंसर इज HIV एड्स अवेयरनेस से। ओके, सो डिटेल में अगर देखेंगे तो रेड रिबन एक्सप्रेस इज एन HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम रन बाय इंडियन रेलवे। ओके, इंडियन रेलवे ने ये स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था, 1 दिसंबर 2007 को स्टार्ट किया था, ऑन द डे ऑफ वर्ल्ड एड्स डे। ओके, सो 2007, 1 दिसंबर 2007 में ये लॉन्च हुआ था इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 15, स्वच्छ स्वास्थ्य सर्वत्र इनिशिएटिव इन इंडिया इज रिलेटेड टू। ओके, द ऑप्शंस आर सैनिटेशन एंड हेल्थ, फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च, फार्मेसी एजुकेशन, डिसीज प्रिवेंशन। ओके, सो द राइट आंसर इज सैनिटेशन एंड हेल्थ। सैनिटेशन एंड हेल्थ के लिए ये कंपेन चला हुआ है, स्वच्छ स्वास्थ्य एंड सर्वत्र। क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म ANDA इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्टैंड्स फॉर, ANDA किसके लिए यूज किया जाता है? द नंबर 1, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, एडवांस्ड नैनो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ न्यू ड्रग अप्रूवल्स एंड एनालिटिकल न्यू ड्रग असेसमेंट। ओके, सो ये चार ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर इज एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, सो ANDA इसको बोलते हैं, ये भी न्यू ड्रग के अप्रूवल का एक प्रोसेस है, नया नई एप्लीकेशन के लिए। द कंसेप्ट ऑफ टेलीफार्मेसी इन्वॉल्व्स, द ऑप्शंस आर रिमोट मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, ऑनलाइन ड्रग सेल, फार्मास्यूटिकल रिसर्च थ्रू टेलीकम्युनिकेशन एंड वर्चुअल पेशेंट काउंसलिंग। सो द टेलीफार्मेसी इज इन्वॉल्व द वर्चुअल पेशेंट काउंसलिंग। ओके, वर्चुअल पेशेंट काउंसलिंग के लिए ये यूज किया जाता है टेलीफार्मेसी। द लेटेस्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके वाइवा में और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, लेटेस्ट एडिशन कब आया, जनरली लोग पूछ देते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन IP 2018,
2020, 2022 and 2024, एंड द राइट आंसर इज 2022 में ये आया हुआ है. ओके, सो फार्माकोपिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं. जिससे अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें सारी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में बताया गया है. ओके, सो यू कैन सी हियर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया. ये सारी जो बात हो रही है ये आईपी की बात हो रही है इंडियन फार्माकोपिया की. 1955 में आया था, सेकंड 1966 में आया था, थर्ड 1985 में आया. ओके, देन फोर्थ एडिशन 1996 में, फिफ्थ एडिशन 2007 में, सिक्स्थ एडिशन 2010, सेवेंथ 2014, एट्थ 2018 एंड नाइन्थ एडिशन है वो 2022 में आया हुआ है. ओके, सो अगर कोई पूछे कौन सा एडिशन चल रहा है ये, तो ये नाइन्थ एडिशन चल रहा है. ओके, और इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश में होती है. लैंग्वेज क्या है इसकी? इंग्लिश. द इंक्लूजन ऑफ मोनोग्राफ इन एन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इज जनरली बेस्ड ऑन. सो फार्माकोपिया भी बहुत सारी होती हैं, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जैसे कि नेशनल फार्मूलरी ऑफ यूनानी मेडिसिन, जैसे आप लोग पढ़े होंगे NFUM के नाम से. ओके, सो ये एक्स्ट्रा फार्माकोपिया के नाम से भी जानी जाती है. ओके, इसमें क्या होता है, तो किस पे बेस्ड होती है ये? साइंटिफिक एविडेंस पे, ट्रेडिशनल नॉलेज पे, मार्केट डिमांड पे एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस पे. सो द राइट आंसर इज ट्रेडिशनल नॉलेज पे ये बेस होती है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया. ओके, जबकि जो फार्माकोपियाज होती हैं उसमें जो भी स्टैंडर्ड लिखे होते हैं वो सब साइंटिफिक एविडेंस पे बेस्ड होते हैं. जितने भी आईपी हो गया या बीपी हो गया या यूएसपी हो गया, ये सारे साइंटिफिक एविडेंस पे होते हैं. लेकिन जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया जैसे ये है NFUM है, ये ट्रेडिशनल नॉलेज के बेस पे होती है. ओके, तो अभी तक मैंने जो 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं, इसके साथ में भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो लगभग 30-35 क्वेश्चन हो गए. तो इसको आप तैयार करें और ऐसे ही धीरे 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 करके हम सारा सिलेबस कवर करेंगे. अभी फार्मास्यूटिक्स से स्टार्ट किया है, आगे भी स्टार्ट करेंगे. तो ये क्वेश्चन जीपेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ एग्जिट एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो सिलेबस दिया हुआ है उसको आप थॉरली पढ़ें, उसके बाद इस पे आए और दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करें. ओके, होप यू हैव इंजॉयड. वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें. ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी फार्मेसी. बाय बाय, टेक केयर. Thank you.